तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अज्जू भाई के बारे में, टोटल गेमिंग के बारे में, जिन्होंने फाइनली अपना फेस रिवील कर दिया कल। सो अज्जू भाई को टोटल गेमिंग को हमारी तरफ से, मतलब हमारे हिप हॉप प्रिंस भाई के फैमिली की तरफ से 2024 का बहुत सारा शुभकामना। हम चाहते हैं आपका चैनल 2024 में और भी आगे जाए और भी तरक्की करे। सो ऑल द बेस्ट योर फेस गेम जर्नी अज्जू भाई। ओके सो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, जो की हम लोगों का रैंक पुश है पीआर का। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से न्यू रैंक सीजन स्टार्ट होने वाला है और गाइस आप लोगों को सोलो में खेलना है, तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो लोग सोलो में रैंक पुश कर रहे हो। तो आज के वीडियो में मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों को सोलो में स्टार्टिंग से लेकर एकदम लास्ट तक गेम प्ले करना है और क्या क्या चीज है जो आप लोगों को नहीं करना, क्या क्या चीज है आप लोगों को जो करना है। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते मैच के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जो की इस मैच के लिए मैंने लिया है। और इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने आयरिस कैरेक्टर लिया है, लुकेटा कैरेक्टर लिया है, मारो कैरेक्टर को लिया है एंड मैक्सिम कैरेक्टर लिया है। तो ये कॉम्बिनेशन लेके मैं जा रहा हूँ एंड उसके साथ मैंने पॉकेट मार्केट ले लिया है और फेल्को पैट तो है ही। तो चलो प्लेन के अंदर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ प्लेन के अंदर, आप लोग भी ऐसे ही आ जाओगे। उसके बाद आप लोगों को ध्यान से खेलना होगा क्योंकि गाइस बहुत ही खतरनाक बंदे रहेंगे अभी स्टार्टिंग में, तो इसलिए आप लोगों को कहा उतरना है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उतरना है जैसे कि मैं उतर रहा हूँ, ऐसे करके आप लोगों को उतरना है। और एक चीज गाइस, स्टार्टिंग में ना बहुत खतरनाक बंदे आएंगे और एक ही साथ सामने सामने उतरेंगे, तो आप लोगों को ना ध्यान से रखना है कहां पर बंदे नहीं उतर रहे। तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग मिल पर उतर रहे हो और गाइस मिल के इस कोने पर बंदा नहीं उतर रहा, मेरे को बस एक ही किल करना है। तो गाइस मैं जल्दी से जल्दी गन के ऊपर उतरूंगा और उतर के बंदे को एक मारने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने गन ले लिया, उसके बाद बंदे को मैंने देखा अंदर जाके कवर में बैठा, उसके बाद जब भी बंदा इधर खुले में आ रहा था दौड़ के, तो मैंने ओपी तरीके से बंदे को डैमेज दिया और बंदा सोनिया बन गया। तो जल्दी से जल्दी जाके मैंने उसको फिनिश किया और मेरा फर्स्ट किल कंप्लीट किया। उसके बाद सडनली एक बंदा पीछे से आके ना भाई साहब मेरे को मार दिया। कोई बात नहीं, मेरे को इधर मरने से अच्छा हुआ क्योंकि मैं अभी आराम से दूर जाके सर्वाइव करूंगा। तो ऐसे ही आप लोगों को स्टार्टिंग में खेलना है। तो उसके बाद गाइस इधर से मैं लैंडिंग करके आप लोग देख सकते हो दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन देखा मैंने दूर में ऑलरेडी बंदा जा चुका है उधर, तो मैंने उधर नहीं गया, इधर ही रुका, मिडिल पे उतर के एकदम घर के अंदर चला गया। जाने के देखा और एक बंदा सामने, तो गाइस उसको मैंने इग्नोर करके एकदम कवर लेके चुपके से इस घर के अंदर आ गया और गाइस इधर आने के बाद मेरे को मिल गया था MP40 भाई साहब, खतरनाक चीज। उसके बाद मैं ऊपर चला गया और ऊपर जाके ओपी तरीके से देखने लगा कहां-कहां पर बंदे, क्योंकि गाइस मेरे को ना इस घर के अंदर अभी थोड़ा सा सर्वाइव करना है। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, स्टार्टिंग के रैंक पुश के टाइम ना आप लोग जितना हो सके सर्वाइव करना, क्योंकि गाइस अगर सर्वाइव नहीं करोगे 100-200% मरोगे, लेकिन अगर सर्वाइव करके खेलोगे 100-200% आप लोगों का प्लस होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा तो सर्वाइव आप लोगों को करना होगा पहले 10 दिन, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस घर के अंदर मैं सर्वाइव कर रहा हूं, कोई भी बंदा अगर ऊपर आएगा मैं उसको आराम से मार दूंगा क्योंकि मैं एकदम सीढ़ी के सामने बैठा हूं, तो कोई भी बंदा इधर से आएगा तो मैं उसको हेडशॉट मार दूंगा। और गाइस आप लोगों को और एक चीज करना है, आप लोगों को ना रैंक पुश करने टाइम गेम का साउंड है ना उसको बढ़ा के रखना है, नहीं तो आप लोग हेडफोन यूज कर सकते हो, ये मस्ट बी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप लोग सर्वाइव करोगे तो उस टाइम फुटस्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि इस घर के अंदर मैं बैठा हूं, अगर कोई बंदा आता है मेरे को फुटस्टेप सुनाई देगा तो मैं जल्दी से जल्दी एकदम पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा, जब भी बंदा आएगा मैं उसको हेडशॉट मार दूं। इसलिए गेम साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप लोग सीरियस रैंक पुश कर रहे हो। और उसके बाद जहां पर भी आप लोग सर्वाइव कर रहे हो उधर पैदल मत चलो, एकदम स्काउच होकर बैठ के चलो, तो फिर आप लोगों का जो फुटस्टेप है ना उसको बंदा सुनेगा नहीं। तो इधर बहुत सारे टाइम वेट करने के बाद बाहर बंदे लोगों का फाइट हो रहा था, तो मैंने उसका साउंड सुना और गाइस जाके मैंने ओपी तरीके से देखा खिड़की से कि बंदे लोग कहां पर फाइट कर रहे हैं। तो गाइस देखा सामने दो बंदे के बीच फाइट हो रहा है, उसका फायदा उठा के मैंने क्या ही खतरनाक थर्ड पार्टी की आप लोग देख सकते हो एक बंदे को इजीली मारता, ऐसे करके 2 किल कंप्लीट किया। उसके बाद चारों तरफ देख के एकदम ओपी तरीके से चला गया उसको लूटने के लिए। तो इधर से मेरे को बहुत अच्छा अच्छा लूट मिल गया थोड़ा बहुत। और उसके बाद गाइस इधर ही थोड़ा सा टाइम रुका क्योंकि गाइस ऊपर से ना एयर ड्रॉप गिर रहा था, तो मेरे को ना एयर ड्रॉप लूट के इधर से जाना था, तो इसलिए गाइस घर का कवर ववर लेके इधर ही थोड़ा बहुत रुका और चारों तरफ देखने लगा कहां-कहां पर बंदे हैं, कोई बंदा आ तो नहीं रहा। तो इधर थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद एयर ड्रॉप गिरा और एयर ड्रॉप का मैंने अच्छे से लूटा, लूटने के बाद मैं इधर ही रुका और एयर ड्रॉप से गाइस मेरे को मिल गया ड्रैगन। गाइस ये ना बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके साथ अगर आप लोग मारो करेक्टर ले रखो तो गाइस ये गन तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी इसको उठा लिया। तो गाइस आप लोगों को भी ना जब भी सोलो रैंक पुश खेल रहे हो तो उस टाइम इस टाइप के गन लेना है, SKS ड्रैगनो, क्योंकि आप लोगों ने करेक्टर में अगर मारो करेक्टर ले रखा है तो गाइस ये सब गन ना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जो भी है गाइस इधर थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद एक बंदा गाड़ी से इधर आया, तो मैंने उसको देख लिया, वो गंदा कवर में था, तो मैंने उसको बहुत सारा डैमेज देने की कोशिश की एंड लास्ट में बंदा थोड़ा सा निकला और गाइस मैंने क्या ही खतरनाक डैमेज दिया आप लोग देख सकते हो ड्रैगनो से और बंदा मर गया। तो ऐसे करके मैंने इसको मार के 3 किल कंप्लीट कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखो पहले स्टार्टिंग में आप लोग जब भी रैंक पुश करोगे सोलो में तो उस टाइम ना जहां पर हो उधर ही रुको, पूरा मैप घूमने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किल के चक्कर में नहीं जाना है, क्योंकि गाइस मैं गारंटी देता हूँ जो टिप्स एंड ट्रिक मैं बता रहा हूँ जैसे खेलने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे करके अगर आप लोग खेलते हो ना लास्ट में आप लोगों का आराम से 8-9 किल हो जाएगा।
तो किल का टेंशन आप लोग मत लो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं किल के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, जहाँ पर हूँ उधर ही रुक रहा हूँ, इधर ही जोन खत्म होने तक रुकूंगा। तो ऐसे करके खेलोगे ना तो आप लोग सेफ रहोगे और गाइस लास्ट टॉप 10 में जा पाओगे एंड गाइस आप लोगों का प्लस होगा। तो ये चीज दिमाग में रखो। उसके बाद इधर सर्वाइव करने के टाइम और एक बंदा गाड़ी लेके इधर आ रहा था, तो गाइस मैंने उसको स्पॉट किया और गाइस उसका गाड़ी फोड़ दिया। उसके बाद वो गाड़ी से निकल के खुलने में जा रहा था, गाइस इसका फायदा उठा के मैंने ओपी तरीके से उसको डैमेज दिया। उसने ग्लूअल मारा और गाइस मेरे पास था आयरिस करेक्टर, मैंने उसके मदद से उसको बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन बंदा कवर में चला गया। उसके बाद जोन आ रहा था तो मैं पीछे पीछे जाते जाते उसको स्पॉट कर रहा था क्योंकि आयरिस करेक्टर का मार्क उसके ऊपर लग गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे जाने के टाइम वो बंदा जोन के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था और गाइस उसका फायदा उठा के मैंने खतरनाक डैमेज दिया ड्रैगनों से और वो बंदा मर गया। देखो ड्रैगनों और गाइस आप लोगों के पास अगर मारू करेक्टर होगा ना तो गाइस लॉन्ग रेंज में ना कोई भी बंदे को आप लोग 100 का डैमेज दे सकते हो। तो उसके बाद इसको मारने के बाद मेरा हो गया था 4 किल कंप्लीट। और गाइस आप लोग देख सकते हो एकदम साइड में रह के जहां पर मैं लैंडिंग किया था उधर ही रह के मैंने आराम से 4 किल कंप्लीट किया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी इधर ही रुकना है क्योंकि इधर ही जोन है। ठीक है, तो एकदम साइड में रुकूंगा, घूमने का नहीं भाई, पूरे मैप में घूमने जाओगे मरोगे 100-200%, क्योंकि सब लोग अपना अपना जगह लेके बैठे रहते हैं। तो आप लोग भी आप लोगों का जगह लेके बैठो, इधर अगर कोई बंदा आता है उसके साथ फाइट करने की कोशिश करो, समझ लो। तो इसलिए आप लोगों को जहाँ पर हो उधर ही रहना है, इतना घूमना नहीं है किल के चक्कर में, किल ऑटोमेटिकली होगा जैसे कि मेरा हो रहा है। उसके बाद साइड में कवर में जाने के टाइम मैंने देखा दूर में एक बंदा है, उसको मैंने खतरनाक स्पॉट किया और भाई यही खतरनाक डैमेज दिया मारो करेक्टर और ड्रैगनों गन से बंदा खत्म। तो ऐसे करके फिर से एक किल मैंने कर लिया लॉन्ग रेंज में। उसके बाद उसको लूटने नहीं गया, देखो आप लोग एकदम साइड साइड से किनारे किनारे से जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को अभी भी जोन में बैठना है, सर्वाइव करना है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे बंदे अभी भी अलाइव है, मेरे को बुइया चाहिए। तो इसलिए एकदम साइड साइड से जा रहा हूँ और जाके कहां पर बैठूंगा, जोन के एकदम साइड में किनारे पे, जैसे कि इधर आ गया आप लोग देख सकते हो। तो इधर बैठ के मैं देखूंगा सामने बंदा फाइट कर रहा है कि नहीं, नहीं तो जब भी जोन छोटा होगा तब जोन के साथ साथ फिर से मैं जोन रोटेशन मारूंगा। तो यही चीज आप लोगों को हर एक टाइम करना है सोलो में, तभी जाके आप लोगों का हर एक मैच प्लस होगा। तो उसके बाद इधर थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद सामने एक बंदा था, उसको मैंने खतरनाक डैमेज दिया और उसके बाद मेरे पास था पोर्टल और पोर्टल की मदद से उसके सामने चला गया, बंदे को पता ही नहीं चला। उसके बाद उसके सामने जाके ओपी तरीके से उसको सरप्राइज दिया और गाइस उसको क्या ही खतरनाक डैमेज दिया, बंदे ने फटाक से ग्लूअल मार दिया। तो गाइस मैं उसको मार सकता था लेकिन मेरा जो आयरिस करेक्टर है ना वो एक्टिवेट नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना था। तो इस तरह आके मैंने एक जंप करके उसको फिर से डैमेज दिया, लेकिन बंदा इधर उधर जाके ना लास्ट में एकदम घर के अंदर घुस गया और घर के अंदर घुस के बंदा क्या किया आप लोग देख सकते हो, पीछे से आया मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैं इधर ही रुका था और जब भी बंदा आया मैंने खतरनाक स्प्रे किया, बंदा खत्म। तो ऐसे करके इसको भी मैंने इजीली मार दिया। तो इसको मारने के बाद 6 किल कंप्लीट कर लिया और अभी 4 बंदे बचे थे। ठीक है, और गाइस जोन थोड़ा सा सामने गिरा था, तो इधर से लूट वूट के मैं सामने जब जा रहा था तो देखा एक बंदा उधर से आ रहा है लेफ्ट साइड से, सो मैंने इसको स्पॉट करके मारना स्टार्ट कर दिया और गाइस उसने ग्लूअल मार दिया, तो मैंने आयरिस करेक्टर की मदद से उसको मारने का स्टार्ट किया। तभी गाइस राइट साइड से एक बंदा मेरे को डैमेज देने लगा, तो फटाक से मैंने ग्लूअल मारा लेकिन मेडिकेट नहीं मारा, जल्दी जल्दी उसको मारा क्योंकि आयरिस करेक्टर उसके ऊपर एक्टिवेट है। तो गाइस उसको मैंने मारते 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 लास्ट में जाके एकदम पूरा मार दिया। तो ऐसे करके इसको मारने के बाद मेरा हो गया था 7 किल कंप्लीट। उसके बाद बस लास्ट बंदा बचा था और गाइस जल्दी जल्दी मैंने मेडिकेट मारा, मेडिकेट मार के आराम से देखने लगा बंदा कहां कहां पर है। तो इधर थोड़ा सा सामने जाके एक कवर लेके मैंने पहले सबसे पहले स्कैनर को ऑन किया, क्योंकि गाइस लास्ट के मोमेंट में ना आप लोगों को बंदे का पोजीशन मस्ट भी देखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जल्दी जल्दी मैंने स्कैनर लगाया और स्कैनर लगाने के टाइम ही मैंने देख लिया बंदा एकदम सामने था। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्लूअल मारते मारते उसके सामने गया और सामने जाके मेरे पास था मिनी थ्रॉट जो कि खतरनाक चीज है लास्ट जोन के लिए। तो मैंने उसको पहले आराम से एक साइड में लगाया, लगाने के टाइम बंदा मेरे ऊपर मारने लगा, उसका फायदा उठा के मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया और क्या ही खतरनाक डैमेज दिया आप लोग देख सकते हो, बंदा फिनिश। तो ऐसे करके गाइस ओपी तरीके से मैंने बीआर ले लिया 8 किल करके, आप लोग देख सको कितना खतरनाक प्लस मिला मेरे को। और गाइस ऐसे करके आप लोग भी खेल सकते हो और गाइस बुइया ले सकते हो। सो गाइस यही था वीडियो, कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे मिस्टेक वाले वीडियो नहीं देखे तो गाइस मिडिल वाला वीडियो देख लो, बहुत ही काम का है, क्योंकि जो जो मिस्टेक आप लोग करते हो ना उसका सोल्यूशन के साथ मैंने वीडियो बनाया। जल्दी से इस वीडियो में जाओ और गाइस जो जो मिस्टेक आप लोग करते हो ना उसको सुधारो।